वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद दीपाली। तो आज हम पढ़ेंगे फाइबर, तो चलो पढ़ते हैं। एक्टिविटी 3, आपको क्या करना है, यान लेना है पीस ऑफ कॉटन से, फैब्रिक से, और क्या करना है आपको, जो यान है उसे टेबल पे रखना है, फिर उसे आपका जो एंड है, एंड पार्ट यान का, उसे आपके थंब से प्रेस करना है, उसे दबाना है। आप ये आपका थंब है और आप उसे प्रेस कर रहे हो, सी है ना, आप उसे प्रेस कर रहे हो। तो फिर आपको करना है, स्क्रैच करना है यान को आपके लेंथ से, नेल जो शो किया है 3.2 में, सिया पे 3.2 में शो किया गया है, आपको नेल से ऐसा करना है। ओके, देन डू यू फाइंड दैट द एंड दैट यान स्प्लिट्स अप इंटू डिस्टेंट, कि आपने फाइंड किया जो यान है वो स्प्लिट हो गया स्ट्रेंथ्स में, मतलब कैसे स्ट्रेंथ्स, मतलब ये सारे ऐसे हो गया ना, ऐसे 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 ऐसे, तो ऐसे स्प्लिट हो गया। धन यान स्प्लिट हो गया, थिन स्ट्रेंथ देखो स्प्लिट हो गया। धन You might have observed something similar when you try to thread a needle. अब आपको कुछ सिमिलर दिखेगा आपने जो थ्रेड और नीडल से किया होगा कुछ, बहुत टाइम मैनी अ टाइम द एंड ऑफ द थ्रेड इज सेपरेटेड इंटू अ फ्यू थिन स्ट्रेंड्स, तो वो जो थ्रेड है उसका एंड है वो सेपरेट हो जाएगा स्ट्रेंथ में, यान है जो सेपरेट हो जाएगा स्ट्रेंथ के स्ट्रेंथ्स में। देन दिस मेक्स इट डिफिकल्ट टू पास द थ्रेड थ्रू द आई ऑफ अ नीडल, तो जो नीडल की आई होती है, मतलब हमारी आई नहीं नीडल की आई, जैसे हम ऐसा ऐसा करते ना, ऐसे ही नीडल होती है, फिर इसको ऐसा कुछ ऐसे कुछ पतली नीडल होती है, सी मैं आपको दिखाऊंगी नीडल की आई, जिसे हम वो धागा थ्रेड जो घुसाते हैं, आपको पता ही होगा ना वो छोटा सा होल, तो वो होती है थ्रेड की आई, तो वो थिन स्ट्रैंड है जो, तो आप मुझे बताओ पहले कि फाइबर मतलब क्या होता है। तो फाइबर मतलब होता है जो थिन स्ट्रैंड होता है वह है जो हमें थिनर दिखता है स्ट्रैंड में, उसे हम बोलते हैं फाइबर। तो आप बोल सकते हो द थिन स्ट्रैंड ऑफ अ थ्रेड इज मेड अप ऑफ स्टिल थिनर स्ट्रैंड्स आर कॉल्ड फाइबर्स। जो फैब्रिक है वो बनते हैं यान से, और जो यान है वो फ्यूचर में बनते हैं फाइबर से। ओके, तो जो इसका मेथड क्या है, देखो जो फैब्रिक है वो बनते हैं यान से, और जो यान है वो किससे, फ्यूचर में बनता है फैब्रिक से बनता है, सॉरी फाइबर से बनता है। वेयर डू दिस फाइबर्स कम फ्रॉम, अब मुझे बताओ कि ये फाइबर्स कहाँ से आते हैं। अब हमें पता है कि यान कहाँ से आता है, फाइबर्स कहता है, फैब्रिक कहाँ से आता है, पर हमें ये नहीं पता ना कि फाइबर्स कहाँ से आता है। तो फाइबर आता है कॉटन प्लांट से, जूट प्लांट से, सिल्क से, वूल से। सिल्क कहाँ से आता है, सिल्क वर्म से। वूल से वूल आता है, ऑब्टेन होता है हमें प्लांट्स और एनिमल्स से। ओके, तो ये सारे नेचुरल फाइबर्स है, जो कॉटन और जूट है वो एग्जांपल है हमारे फाइबर्स का, जो ऑब्टेन है प्लांट से। तो हमने अभी दो एग्जांपल लिए है, कॉटन और जूट, तो ये सारे जो फाइबर है वो ऑब्टेन है प्लांट से, मिले हमें उसे। वूल एंड सिल्क इस फाइबर आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल, जो वूल और सिल्क है वो किससे मिले हमें, एनिमल से मिले हैं। तो देन इट इज ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम द हेयर ऑफ रैबिट, याक एंड कैमल, तो वो और किससे मिले, रैबिट से, रैबिट के जो बाल, रैबिट के बाल होते ना, रैबिट के हेयर, उससे भी मिलते हैं, याक के और कैमल्स के हेयर से मिलते हैं। सिल्क फाइबर इज ड्रॉन फ्रॉम द कोकोन ऑफ सिल्क वर्म, जो सिल्क वर्म वो फाइबर है वो हमें कोकोन से मिलते हो या तो सिल्क वर्म से मिलते हैं। फॉर 1700 ईयर्स नेचुरल फाइबर्स वॉज ओनली वन अवेलेबल फॉर मेकिंग फैब्रिक्स, तो जो नेचुरल फाइबर्स है वो
एक ही जो अवेलेबल है हमारे मेकिंग फैब्रिक के लिए. इन द लास्ट 100 years अगो और सो फाइबर्स आर मेड अप ऑफ केमिकल. तो जो लास्ट 100 years जो फाइबर थे वो किससे बनते थे, केमिकल से बनते थे. ओके नेक्स्ट ईयर तो जो भोजो है वो भोजो को देखना है, जो मुसेम्स है वो किस में शोन है. मुसेम्स मतलब म्यूजियम्स, सॉरी म्यूजियम्स ऐसा होता है म्यूजियम्स. तो म्यूजियम्स किस में शोन है, तो ये जो ये कौन से वॉरियर्स से वॉन होते हैं, तो उसको पता नहीं है कि ये जो किसके किसके फैब्रिक से फाइबर से बना है, ये किसके फाइबर से बना है म्यूजियम्स. तो अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए. ओके केमिकल सब्सटेंस विच आर नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल सोर्सेज. तो जो पहले के जो फाइबर्स होते थे वो केमिकल लास्ट 100 years अगो के वो केमिकल सोर्सेज से बनते थे और वो प्लांट एंड एनिमल के सोर्सेज से नहीं बनते थे. तो ये सारे क्या बोलते हैं हम उसे, सिंथेटिक फाइबर्स. तो हम इसे क्या बोलते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स. सम एग्जांपल्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स आर पॉलिस्टर, नायलॉन एंड आर्कलिक. तो कुछ एग्जांपल्स हैं इसके, वो है पॉलिस्टर, नायलॉन एंड आर्कलिक. ओके सिंथेटिक फाइबर के. तो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे सम प्लांट फाइबर्स जिसमें कॉटन है, जूट है. ओके तो हम दो एग्जांपल लेंगे उसके, कॉटन एंड जूट. तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक माय वीडियो, शेयर माय वीडियो, कमेंट कि कैसा लगा. और आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपका डाउट कमेंट सेक्शन में क्लियर कर दूंगी. सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले. एंड बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में सम प्लांट फाइबर के दो एग्जांपल्स कॉटन एंड जूट.